मैं डॉक्टर बालेश्वर प्रसाद लोक स्मार्ट चैनल से ताजा ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आइए देखिए ब्रेकिंग न्यूज। कभी पेट्रोल पंप पर बीजी कॉफी, शवाना आजमी ने संघर्ष पथ पर चलकर जीत की हासिल। 80 और 90 के दशक में अपने दमदार अभिनय से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली दिग्गज अभिनेत्री शवाना आजमी का आज 73वां जन्मदिन है। मशहूर शायर कैफी आजमी के घर जन्मी शवाना ने वर्ष 1974 की फिल्म अंकुर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वह एक के बाद एक बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा बनती रही। शवाना ने अपने हर किरदार को पूरी शिद्दत के साथ निभाया है। वह हर एक भूमिका में इस कदर जचती थी जैसे वाकई उन्हें सोचकर ही बनाया गया हो। यही कारण है कि अपने अभिनय का लोहा मनवाते हुए शवाना 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर चुकी है। शवाना एक सदाबहार अभिनेत्री होने के साथ ही एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। हालांकि आज अभिनेत्री जिस मुकाम पर है वहां तक पहुंचने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा है। तो आइए शवाना के जन्मदिन के खास अवसर पर उनके संघर्ष से शुरू हुई सफलता तक की यात्रा पर गौर फरमा लेते हैं, जो वाकई में बेहद प्रेरणादायक है। 18 सितंबर 1950 को हैदराबाद में जन्मी शवाना आजमी ने प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के क्वीन मैरी स्कूल से हासिल की। इसके बाद उन्होंने सेंट जॉर्ज कॉलेज से मनोविज्ञान में स्नातक किया। शवाना आजमी ने वर्ष 1973 में पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया संस्थान से अभिनय का कोर्स किया। रिपोर्ट की माने तो शवाना ने जया बच्चन से प्रेरित होकर अभिनय की दुनिया में नाम कमाने की ठानी थी। डेब्यू फिल्म अंकुर में शवाना ने नौकरानी की भूमिका निभाई थी। हालांकि उन्होंने इस किरदार को इतनी बखूबी से निभाया कि इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डेब्यू फिल्म से अपने दमदार अभिनय का सिक्का मनवा चुकी शवाना आजमी को उनके काम के दम पर एक के बाद एक फिल्में मिलती गईं। शवाना को महेश भट्ट के निर्देशन में बनी मूवी अर्थ में देखा गया, जिससे दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला। इसके बाद उनकी फिल्म खंडहर भी फैंस का दिल जीतने में कामयाब रही। इस फिल्म को उस वक्त कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। शवाना को पार 1985 और गॉड मदर 1999 जैसी शानदार फिल्मों में भी देखा जा चुका है।